वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह हुई और एज पर लॉ ये ऑप्शन है कि जिस रीजन से, जिसे कहते हैं ना मुलजम का ताल्लुक होता है, उसका केस जो है उस रीजन में, उस इलाके में चले। और जैसा कि आपको पता है कि चाहे वो सैफ भाई हों, चाहे वो जरीना भाभी हों उनके बच्चे हों, और चाहे वो रुमैसा भाभी हों, और चाहे वो तौसीफ आमिर हों, ये छः मुलजमान में से पांच के जो एड्रेसेस हैं वो कराची के हैं। और हो सकता है कि वाकई केस जो है वो कराची में शिफ्ट हो रहा हो और सारी हेयरिंग्स जो है वो कराची में हों और ये इस्लामाबाद से जो है ये सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। और मैं अभी इस हवाले से कुछ कह नहीं सकता हूँ। ऑप्शन तो है और वो चाहें तो वो किसी भी टाइम पे वो एप्लीकेशन दे के, तो ये तो एक लीगल राइट है ना, कोई भी मुलजिम हो ना, एक्स वाई जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने इसकी बात की तायद भी करती हूँ और इस बात की मैंने तस्दीक भी नैब कोड 2 से करवाई है। तो बकौल उन्हें के इस डेट पे जो है वो केस जो है वो सारा कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस केस पे जो डेट है तो मुश्किल है कि ये जरीना वरियास और ये इनमें से कोई भी उधर बंदा जाए, उनके वकला जाएंगे, अटेंडेंस वगैरह लगाएंगे, आ जाएंगे और ये जो पिंडी इस्लामाबाद वाली खप पैक ये ख़त्म हो जाएगी। तो कराची वाले तैयार हो जाए, अब कराची जो है, कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो अब कराची जाके हमें अपडेट दिया करेंगे। तो इस्लामाबाद की कहानी कल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और कोई भी नहीं आएगा उनमें से, और ना ही जज साहब तैनात हुए हैं, मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है लोग जो आ रहे थे नैब कोर्ट वो ना आए क्योंकि कल इनमें से कोई भी नहीं आ रहा नैब कोर्ट 2। तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि मैं भी कल जो है वो नहीं जाती, क्योंकि जब केस ही वहाँ शिफ्ट हो रहा है और वकला हजरात भी चेंज हो, ये सॉरी जज भी नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ डेट ही वहाँ पे होनी है, तो जाना फिर फजूल है। सो मैंने अपना जो है वो इरादा पोस्टपोन कर दिया।